हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सहरीश इंस्टीट्यूट सो आज की इस वीडियो में हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं सो so, हमारा चैप्टर ट्वेल्व चल रहा था स्पेस मैनेजमेंट लास्ट टॉपिक टॉपिक में मैंने आप लोगों को यहाँ तक बता दिया था है ना यहाँ तक आप लोगों को पढ़ा दिया था अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा स्लीपिंग एरिया से ठीक है स्लीपिंग एरिया नाम से ही समझ में आ रहा है जहाँ पे हम सोते हैं सो स्लीपिंग एरिया इज़ यूजुअली एलोकेटेड इन द बेडरूम द बेडरूम इज मेंट फॉर रेस्टिंग स्लीपिंग एंड ड्रेसिंग इन एडिशन इट कैन आल्सो बी यूज्ड टू यूज फॉर स्टडी पर्पस प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ अ स्टडी टेबल लाइट एंड इस स्पेस और फॉर स्टोरिंग बुक्स विल हैव टू बी मेड मेड फॉर इट तो कहने का मतलब स्टडी एरिया या हमारा sleep, जो हमारा स्लीपिंग सॉरी स्लीपिंग एरिया जो होता है हमारा वहाँ बेसिकली क्या होता है हम अपना रेस्ट करते हैं आराम करते हैं रिलैक्स होने के लिए हम वहाँ रहते हैं और अपना ड्रेस वगैरह चेंज करना चेंजिंग रूम भी एक तरह से वही हमारा बन जाता है अगर हमें पढ़ाई करनी या बेसिकली अगर हमारा घर छोटा है तो हमारा जो बेडरूम होता है जो स्लीपिंग एरिया होता है वही हमारा स्टडी रूम बन जाता है है ना अपना बेड पे बैठ के हम पढ़ाई वगैरह करते हैं तो मोस्ट ऑफ़ दी इसमें कोई भी वो हेजिटेट uh, या शर्माने वाली चीज़ नहीं है मोस्ट ऑफ़ दी फैमिलीज़ में जो हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज़ होती हैं सब में यही होता है ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का घर बहुत बड़ा हो कि स्टडी रूम अलग है सोने वाला कमरा अलग है मतलब बेडरूम अलग है और पढ़ने का अलग है खेलने का अलग है हॉबीज़ के लिए अलग है नहीं ज़रूरी नहीं है हमारा एक कमरे में सारी चीज़ें हम मैनेज कर लेते हैं ठीक है तो हमारा एक तरह से बेडरूम हमारा जो स्लीपिंग एरिया होता है वहाँ पे हम पढ़ाई वगैरह भी करते हैं ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा इंतज़ाम करके रखें वहाँ पर कि हमारी बुक्स वगैरह हमें रखने के लिए हमारे पास जगह हो टेबल्स है ना अगर हम एडजस्ट कर सकें तो हमें करना चाहिए <coughs> फिर आगे लिखा है इफ़ द बेडरूम इज स्मॉल देन बेड कैन बी सो मेड द चिल्ड्रेन बेड्स कैन बी अंडर द बिग बेड एंड पोल्ड अपन एवर रिक्वायर्ड ऑल्सो बंक बेड्स एंड फोल्डिंग बेड्स कैन बी यूज और एन ऑर्डनरी चरपाई कैन बी यूज विच कैन बी मूवड आउट वेन इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड अच्छा कहने का मतलब है कि अब यहाँ पे सजेशन के तौर पर दिया गया कि अब या तो अब हमारा कमरा छोटा है तो हम बहुत बड़ी बेड नहीं रखेंगे वहाँ पर या तो हमारे लिए सिंगल बेड हो सिंगल बेड नहीं तो डबल बेड हो या तो छोटी हो या फिर हमारी जो चरपाई होती है जो फोल्ड fold, फोल्डिंग्स होती हैं ना कि हमने बिछाया फिर अगर काम हो गया तो उसे फ़ोल्ड करके हटा लिया जिसमें बेसिकली घरों पुराने घरों में या फिर अब आज का भी है कि घरों में देखा जाता है चरपाई हम ऐसे खोलते हैं ना रॉड जो जिसमें होता है तो एक तरह से वो चाय पाई आप यूज़ कर सकते हैं और भी कई तरह की चीज़ें जैसे सोफ़ा कम बेड होता है इस तरह की चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपका स्पेस घर में ज़्यादा नहीं है कमरे में ज़्यादा नहीं है तो है ना इन द बेडरूम द बेड्स कैन हैव द बॉक्सेस ड्रॉर्स अब बेड्स में जो है ड्रॉर्स वगैरह हो सकता है जिसमें हम हाँ एक तरह से अपना स्टोरेज प्लेस बना सकते हैं कबर्ड वगैरह शेल्फ़ हो उसमें इस तरह से इतने शेल्फ़ हो कि आप अपने डिफरेंट डिफ़रेंट डिफरें� हिसाब से कपड़े डिसाइड करके वहाँ पे रख सकें तो ये सब सर... तरीके होते हैं अपने चीज़ों को मैनेज करने के वही सारा सजेशन यहाँ पे दिया गया अब जैसे यहाँ पे इस तरह की बेड अगर आप लोग के पास है या आप परचेज़ कर सकते हो तो इस तरह की चीज़ें आप बाय कर लो है ना कि एक बंदा ऊपर सो जाए एक बंदा उसी के नीचे सो जाए तो आपका इधर आगे आगे वाला जो स्पेस होगा वो बचेगा है ना इस तरह से आप चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं फिर आगे लिखा है द साइड टेबल्स कैन बी यूज और ईदर साइड ऑफ द बेड फॉर कीपिंग स्मॉल आइटम्स रिक्वायर्ड रेगुलरली लाइक टेबल आर्म वॉच बुक्स वॉटर एक्सेट्रा इन स्टेड ऑफ आ ड्रेसिंग ड्रेसिंग टेबल अ मैर कैन वी फेक्सड ऑन दी वाल टू सेफ स्पेस अब जैसे ड्रेसिंग टेबल होता है तो उसको इतना बड़ा सा ड्रेसिंग टेबल लाने की जरूरत नहीं है वॉल पर आप शीशा लगा दो मैरर लगा दो उससे भी काम हो जाएगा तो आपका स्पेस बचेगा है ना इसी तरह से अपने साइड टेबल आप छोटी सी रख सकते हो जिस पर छोटे पुटो सामान रख लो घड़ी रख लिया लैंप लगा लिया इस तरह से चीज़ें एडजस्ट कर लो कमरा भी अच्छा लगेगा provisions of, uh, for a study table can be uh, also be made in the bedroom it can be in the form of a proper study table or a folding table which can be opened when required this study table can also be like the dining table fixed in the wall about which uh, you had studied earlier हेयर द वॉल स्पेस कैन बी यूज फॉर स्टोरिंग बुक्स एंड अदर स्टेशनरी आइटम्स अभी कुछ ऐसी टेबल्स होती हैं जो कि दीवार में फिक्स होती हैं हमने ऐसे पुल किया उसमें टेबल बन गई वापस से फोल्ड किया वो दीवार पर जाके चिपक गई है ना इस तरह से टेबल्स आती हैं या फिर अपने स्टडी टेबल को या अपने अप घर की टेबल को आप स्टडी टेबल बना सकते हो उसी पर खाना भी खा लिया पढ़ाई भी कर लिया क्लीन कर लिया फिर मतलब इस तरह से आप उसको मैनेज कर सकते हो कहने का मतलब एक रिसोर्स से एक सामान से हम तीन तरह का काम यूज़ उसको यूटिला इज कर सकते हैं तीन तरह के अलग अलग कामों में टेबल पे हम खाना भी खा सकते हैं टेबल पे हम पढ़ाई भी कर सकते हैं है ना अब टेबल है अगर ऐसे पूरी रखी हुई टेबल है तो अलग है अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो तो दीवार में आप अपना वैसी टेबल बनवा लो जैसे लाइक मूवीज़ में या फिर आप, हम इंस्टा रील्स वगैरह में देखते हैं ना कि टेबल जो दीवार में फ़िक्स होती है हमने पुल करा तो वो टेबल बन गई फिर उसके बाद हमने उसे फोल्ड कर दिया तो दीवार में जाके फिक्स हो गई तो उससे क्या होता है वो सब इसीलिए बनाया गया होता है इसीलिए दिखा दिखाया जाता है ताकि आप अपने कम जगह में सारी चीज़ों को पूरा कर सको है ना क्योंकि सामानों को पूरा पूरा लाइक ला ला के रखना और उसके बाद स्पेस भी आपको चाहिए होता है वो सारी चीज़ें मैनेज करना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता ओके द अलमीरा और वॉर्ड्रोव कैन बी बिल्ड इन द वॉल इन दॉल एंड अप टू द सीलिंग लेवल इट विल कवर लेस फ्लोर स्पेस एंड प्रोवाइड दी नीडेड स्टोरेज स्पेस कहने का मतलब है अलमीरा या जो वार्ड्रोब आप लोग का होता है जिसमें आप अपने कपड़े वगैरह रखते हैं ना उसे आप हाइट में लंबा करके और चौड़ाई में कम कर सकते हैं तो आपका सामान भी आ जाएगा और आपका घर का स्पेस भी ज़्यादा नहीं जाएगा अगर आप बनवा रहे हो तो इफ़ द स्लीपिंग एरिया इज न इज़ टू बी प्रोवाइडेड इन द लिविंग रूम इट्सल्फ एज इन दी केस ऑफ वन रूम अपार्टमेंट देना दान एंड फोल्डिंग बेड्स कैन भी प्रोवाइडेड फॉर स्लीपिंग तो अब जैसे आपका वन बेडरूम अपार्टमेंट है ठीक है कि आपका सिर्फ एक कमरा है और एक जो है ड्राइंग रूम है आपका डाइनिंग रूम है तो वहाँ पर आप क्या करोगे कि आप अपने डाइनिंग रूम में भी आपने सोने का इंतज़ाम कर रखा है तो वहाँ पर इस तरह से बेड रखोगे लाइक सोफ़ा कम बेड हो गया कि वो रात को आपने बेड बना लिया सुबह उठे आपने उसको वापस इन कर दिया आपका वो सोफ़ा बन गया तो दिन भर में वो डाइनिंग रूम है और जब आपका रात का सोने का टाइम आया तो वो आपका बेडरूम हो गया तो इस तरीके से आप चीज़ें और अपने घर का स्पेस मैनेज कर सकते हैं

ऑन अलॉन्ग द वॉल टू कीप बुक्स एंड स्टेशनरी कहने का मतलब है कि जैसे आपका डाइनिंग uh, रूम है डाइनिंग टेबल है या हाँ जो हमारा फर्स्ट लाइन है उसमें बताया गया कि लाइक like, नेचुरल हवा वगैरह आनी चाहिए कुछ वेंटिलेशन uh, uh, का सोर्स हो साथ ही साथ जो है आपकी जो आर्टिफिशल लाइट्स होती है इस तरह की होनी चाहिए कि वो आपको डिस्टर्ब ना करे कम भी नहीं होनी चाहिए बहुत ओवर भी नहीं होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द रूम साइज़ आपकी लाइटिंग्स वगैरह फिक्स होनी चाहिए ठीक है बुक शेल्फ हो आपका साथ ही साथ जो है आप जैसे डाइनिंग टेबल है तो उस पर आप अपना बैठ के राइटिंग वर्क कर सकते हो है ना अपने स्टडी के हिसाब से यूज उसे कर सकते हो फिर आ जाता है आपका नेक्स्ट टॉपिक एंटरटेनमेंट एंड रिक्रिएशन एरिया ठीक है आपका एंटरटेनमेंट वाला एरिया कौन सा होता है Entertainment areas where all members of the family get together, chat, watch TV, or do any similar work. This can either be in the drawing room or there can be a separate living room. और अ लिविंग कम बेडरूम ठीक है एक तरह से आपका एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एरिया कौन सा होता है जहाँ आप एक तरह से टीवी वगैरह चलाते हो या इसी तरह से म्यूजिक चलाना स्पीकर चलाना तो इस तरह के आप काम करते हैं तो आपका एंटरटेनमेंट एरिया एक तरह से कहलाया जाता है या एंटरटेनमेंट एरिया आपका लिविंग रूम हो सकता है ड्राइंग रूम हो सकता है डाइनिंग रूम हो सकता है तो आप लोग वहाँ पर जो है अपना टी वगैरह लगा सकते हो फिक्स कर सकते हो तो ये आपका स्टडी रूम से बेडरूम से थोड़ा सा डिफरेंट एरिया होना चाहिए जरूरी है क्योंकि जहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हैं या आपका कोई सीरियस काम है वहाँ पे अगर आप टीवी लगा दोगे स्पीकर सेट कर दोगे तो फैमिली के अदर मेंबर्स जो होते हैं वो अगर उनको गाना सुनना हो टीवी देखना हो तो या तो वो आपकी वजह से देख नहीं पाएंगे या गाना नहीं सुन पाएंगे या फिर अगर सुनेंगे तो आपको डिस्टर्ब होगा है ना तो इन सब चीज़ों का सेपरेशन बहुत ज़रूरी होता है इन्वॉलमेंट हर चीज़ों का इन, ये मिक्सअप नहीं किया जा सकता कि आप पढ़ाई भी वहीं पर करो गाना और टी भी वहीं पर करो वो आपके लिए समटाइम्स डिस्टर्बिंग होगा ही होगा तो इस तरह का सेपरेशन हमारे लिए ज़रूरी है फॉर्मल एंटरटेनमेंट शुड बी इन द ड्राइंग रूम इफ दिस रूम इज लार्ज इनफ इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. वन फॉर सिटिंग पर्पस वेयर सोफा सेट चेयर टेबल्स एक्सेट्रा कैन बी अरेंज्ड एंड द अदर फॉर डाइनिंग द डिवाइडर बिटवीन द टू एरियाज कैन हैव शेल्फ्स विच कैन बी यूज फॉर डिस्प्लेइंग स्टोरिंग वेरियस थिंग्स ठीक है तो कहने का मतलब है सजेशन तौर पे बताया जा रहा है कि अगर आपका एरिया बड़ा है तो आप बीच में डिवाइडेशन लगा सकते हैं एक एरिया आपने बैठने बैठने के लिए बना लिया है ना आप लोग का लिविंग रूम है तो आप लोग एंटरटेनमेंट पर्पज़ से अगर वो लिविंग रूम बड़ा है तो उसको डिवाइड कर सकते हैं वन साइड आपने टी वी म्यूजिक सब कुछ कर लिया और दूसरा साइड जो है आप वहाँ पर सोफ़ा सेट चेयर सब कुछ आप लोग ने वहाँ पर लगा लिया तो आप लोग का वो भी अगर डिवाइडेशन आप करना चाहो तो कर सकते हो अगर आपका एरिया बड़ा है तो इफ़ द डिवाइडर हैज़ दे

एज मैंशन अर्लियर द लिविंग रूम कैन बी लिविंग रूम कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इंटू अ गेस्ट रूम तो एक तरह से जैसे पहले बताया गया था लिविंग रूम जो है आपका एक तरह से गेस्ट रूम भी बन सकता है रात के टाइम पर जहाँ पे फोल्डिंग बेड्स हो ठीक है और कैन बी स्प्रेड आउट एज पर रिक्वायरमेंट फर्दर द फर्नीचर कैन बी सो प्रोवाइडेड दैट दी लिविंग रूम कैन बी यूज फॉर स्लीपिंग एट नाइट तो एक तरह से आपका फर्नीचर इस तरह का होना चाहिए सोफा कम बेड हो या जो भी हो तो आपका लिविंग रूम जो है रात के टाइम एक तरह से बेड रूम की तरह यूज़ हो जाए ये चीज़ मैंने आप लोग को ऊपर भी बताई थी वही चीज़ यहाँ पर रिपीट करके बताई जा रही है ओके फिर यहाँ पे जो है आप लोग का नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ अ वन रूम हाउस तो ये आपका जो टॉपिक है मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा ठीक है ईजी टॉपिक है स्टिल अगर आप लोग को डाउट हो तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके और चैनल पर नहीं हो तो चैनल के साथ जुड़ जाइएगा चैनल को जरूर जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए सब्सक्राइब बटन के बगल में ही बेल आइकन है तो उसे ज़रूर से क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब मैं वीडियोज़ डालू तो आप तक जो है मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पहुँच जाएँ वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और और भी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग